हाय गाइस, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने डाउनलोड किए हुए सॉन्ग को एयरटेल हेलो ट्यून में कैसे सेट करते हैं। लेट्स एग्जांपल, जैसे कि यहां पर मेरा सारा ये डाउनलोड किया हुआ सॉन्ग है, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर मेरे जितने भी सारे सॉन्ग हैं, अब इसको मुझे एयरटेल हेलो ट्यून में कॉलर ट्यून सेट करना है, तो कैसे करेंगे बात यहां पर ये आती है। ओके, दैट्स ओके। तो देखो गाइस, अब बहुत सिंपल स्टेप है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे एंड सेट कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो सबसे पहले क्या करना, आप लोग को जाना है विंक म्यूजिक में, माय अकाउंट पे आना है। माय अकाउंट पे आने के बाद गाइस यहाँ पर आपने जो भी सेटिंग किया है, ये सब सेटिंग को हमको रीसेट करना होगा। तो रीसेट करने के लिए आप लोगों को सिंपल से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर से फोकस से वीडियो को देखना है, ठीक है। मोर सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन पे आते हैं, इंस्टॉल्ड पे आते हैं, एंड देन गाइस यहाँ पर हमने जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है उस पर उसको हम यहाँ पर ले लेंगे पहले। तो यहाँ पर उस एप्लीकेशन को खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं यहाँ पर विंक म्यूजिक, ठीक है। विंक म्यूजिक को जैसे ही हम लोग यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर हमारा जो स्टोरेज का ऑप्शन आता है, इसमें क्लियर डाटा कर देना, ओके। क्लियर डाटा क्लियर कैच कर देना है। यहां पर से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। एंड अब गाइस यहां पर आना है आप लोगों को क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहां पर आप लोगों को सिंपल से सर्च कर लेना है विंक म्यूजिक लिखकर, ठीक है। विंक म्यूजिक, ओके। विंक म्यूजिक लिखने के बाद यहाँ पर पहला वाला साइट पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं गाइस, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, तो लेकिन विंक म्यूजिक से हम ओपन नहीं करेंगे, क्रोम ब्राउजर से ओपन करेंगे, दैट्स ओके। देन गाइस यहाँ पर आप लोग को इतना करने के बाद सिंपल सा आप लोग कुछ नहीं करना है, थ्री डॉट पे आना है। थ्री डॉट पे आने के बाद गाइस यहाँ पर लास्ट में आप लोग को शो करेगा इंस्टाग्राम। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये इंस्टाग्राम पे क्या बताने वाला है, तो यहाँ पर गौर से देखो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे क्लिक किया मैंने, फिर इंस्टाग्राम पे क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट कर देगा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे ये विंक म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वेरीफाइड टिक है और ये ओरिजिनल अकाउंट है। अब यहाँ पर क्लिक करना है ईमेल वाले ऑप्शन पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये ईमेल वाले ऑप्शन पे क्यों क्लिक किया, तो अब देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो भी सॉन्ग है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को कोई सॉन्ग ले लेना है। अब यहाँ पर से इसमें से हम कोई सॉन्ग ले लेते हैं अपने डाउनलोड किए हुए सॉन्ग को। चलिए हम सॉन्ग ले लेते हैं यहाँ पर से, आप जो बोलो, चलो ख्वाब सॉन्ग ले लेते हैं, ओके। ख्वाब ये अखिल का, ठीक है, अखिल का ख्वाब सॉन्ग लेते हैं, जो कि एयरटेल हेलो ट्यून में शायद अवेलेबल नहीं है ये सॉन्ग, ओके। एग्जांपल के आप कोई भी सॉन्ग ले सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने देख लिया कि मेरा डाउनलोड किया हुआ ख्वाब सॉन्ग है, तो इसको सिंपल सा अब क्या करना है, आप लोग को यूट्यूब में आना है एंड यहाँ पर सिंपल सा आप लोग को सर्च कर लेना है ख्वाब। खाप सर्च करने के बाद थ्री डॉट पे इसका लिंक जो सॉन्ग का होगा कॉपी करके रख लेना है, ओके। रख लेने के बाद वही ईमेल वाले ऑप्शन पे आ जाना है अपने प्रीवियस वाले सेटिंग पे, ओके। अब यहाँ पर इस सॉन्ग का कोड जो है मैं बता देता हूँ, इस सॉन्ग का कोड शुरू होता है 521410 से, ठीक है। यहाँ पर YQQ होगा, हाँ QQ.com पे, ठीक है। एंड BCC में इसका कोड है 503030 50301, ओके। इसका भी YQQ.com ले लेंगे, ओके। और सब्जेक्ट में आप लोग को बस सिंपल सा लिख देना है प्लीज़ एक्टिवेट माई फाइल मैनेजर कॉलर ट्यून, प्लीज़ एक्टिवेट माई फाइल मैनेजर कॉलर ट्यून, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये सॉन्ग का लिंक यहाँ पर हम लोग दे देंगे, लिंक, उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा डैश दे देंगे, यहाँ पर ये सॉन्ग का लिंक हम पेस्ट कर, डैश बूम। अब यहाँ पर इतना करने के बाद इस सॉन्ग का जो इमेज होगा, अगर वो आप लोग यहाँ पर डाल देते हो, मतलब कि पेस्ट कर देते हो सॉन्ग का वो इमेज, तो काफ़ी ज़्यादा और बेटर हो जाता है। उसके बाद आप लोग को सिंपल से सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद यहाँ पर आप लोग को 24 आवर वेट करना है, उसके बाद ये ख्वाब सॉन्ग लग जाएगा। अब आप लोग बात यहां पर आएगा, आप लोग को जो भी सॉन्ग चाहिए नीचे कमेंट कर लो, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तो मैं आपके कमेंट का जो सॉन्ग का जो कोड चाहिए आप बताना, मैं वहां पर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आपको जो भी सॉन्ग चाहिए, ओके।